हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होममेड डिज़ाइंस। आज हम विदर्भ स्पेशल कड़ी घोड़े बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने चना दाल ली है और इसे 2 घंटे भिगो के रखा है। 2 घंटे बाद हमें इसमें का पानी निकाल लेना है और बाद में इसे मिक्सी जार में पीस लेना है। देखिए, अब हम ये मिक्सी जार में डाल रहे हैं। अब हम इसमें लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डालेंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए मैंने कैसे पीस लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे, थोड़े से करी लीव्स और कोरिएंडर भी डालेंगे हम इसमें। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। एकदम से छोटे भी नहीं बनाना है, मीडियम साइज़ के बॉल्स हम बनाएंगे। ये 500 ml दही लिया है हमने। थोड़ा सा बेसन ऐड करना है हमें इसमें, हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है हमें पानी इसमें। जितना हमने दही लिया है हम उतना ही पानी लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम कड़ी बनाएंगे। उसके लिए हमने तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें मस्टर्ड डालेंगे, यानी राई डालेंगे। राई चटकने के बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें करी लीव्स डालेंगे और ये कुछ मेथी के दाने डालेंगे। तेज पत्ता भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है फ्रेंड्स। अब हम इसमें हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब हमें कड़ी में उबाल आने देना है, सो अब हम इसे नहीं हिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे कड़ी में उबाल आ रहा है। अब हमारे कड़ी में उबाल आने के बाद हमें इसमें ये बॉल्स डाल देने हैं। अब इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकने दें। 10 मिनट बाद आप इसे चम्मच डाल के हिला ले तो ये बॉल्स अपने आप ऊपर आ जाएंगी। इसका मतलब है कि ये बॉल्स अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे और देखिए ये रेडी है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे। गुड बाय।